उत्तराखंड और आज हम लोग औली से हर्षिल वैली जा रहे हैं और अभी हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में सामान वामान सब रख रहे हैं। सुबह 7 ही बजे निकल गए थे, अपने होटल से चेकआउट कर गए थे एंड अभी इस जगह पर आई डोंट नो ये जोशीमठ से नीचे वाली एरिया में यहाँ पर हम लोग रुके नाश्ता करने के लिए एंड जहाँ हम लोग रुके वहाँ से इतना खूबसूरत सा झरना दिख रहा है ना कि मैं खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाई कि नहीं मेरे को यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि लेस कुरकुरे भी ले लेते हैं साथ में है ना। बहुत बहुत लंबा सफ़र है, आई थिंक 12 घंटों का सफ़र है तो बीच बीच में स्नैक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। टेंट चलते हैं, नाश्ता करते हैं।
छोटा सा ट्रेजेडी काइंड ऑफ हुआ है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। हम यहाँ डिनर कर रहे हैं इसी होटल में, जहाँ पे हम लोग रेस्क्यू होते हैं। दिखाओ कौन सा होटल, ये वाला, ये टहरी में नंबर 9 जी डी डी से दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। टिंग यहाँ होते तो भाई मज़ा आ जाता। एक्स्ट्रा हो गया हमारा खाना, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। सो गाइस, ये वो रूम है जो हमें अभी अभी मिला है, ये है हमारा रेस्क्यू रूम। रेस्क्यू रूम, हमें रेस्क्यू किया गया है, हमें रेस्क्यू किया गया है, सच में रेस्क्यू किया गया है। ये तो पता नहीं कहाँ भटकते रहते हैं। एक्चुअली चेक पोस्ट था ना वो, हाँ, तो चेक पोस्ट पे हमें रोक दिया गया। उत्तरकाशी से पहले ही आता है, उत्तरकाशी में एक्चुअली गेट है रश जाने के। तो बेसिकली 8 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है, मतलब आप पहाड़ी इलाके में नहीं जा सकते रात 8 बजे के बाद, वो स्ट्रिक्टली बैन है। तो फिर ये वाली बात हम में से किसी को पता नहीं था, एंड ना गूगल में किसी ने स्पेसिफिकली क्लियरली किसी ने बताया, किसी ने भी नहीं बताया। कोई कहता है कि हाँ अभी परमिट लेना पड़ रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं अब नहीं लेना पड़ रहा, तो किस पे भरोसा करें, ये हो जा रहा। तो हम लोग सोचे थे कि 12 बजे तक हम लोग हर्षिल पहुँच जाते हैं, एंड हमारी बुकिंग भी हो गई थी हर्षिल में, लेकिन थैंक गॉड कि वो बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपको बुकिंग का पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यही बात है, एंड कल हमारी बुकिंग है कहीं और, हर्षिल नहीं है, तो हम कल सुबह सुबह वहाँ निकल जाएंगे हर्षिल के लिए। एंड बस कुछ नहीं, अभी बस रेस्ट करते हैं, बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बस इसको वैसे ही। और हमारे साथ ना और भी टूरिस्ट थे वहाँ पे जो फंस गए थे चेक पोस्ट में, उनको भी नहीं पता था कि परमिट लेना पड़ता है नॉल, या ये कि 8 बजे के बाद बंद हो जाता है वो हिली एरिया। हाँ, वहाँ होटल वाले घूम रहे थे, तो वहीं पे इस होटल के जो मेम्बर बोल रहे जो भी, वो हम लोग को यहाँ पर ले गए रूम दिखाए, तो हमने तो रुकने ले लिया हुआ है। यहाँ पे 4 बेड मतलब 3 बेड है, यहाँ ऊपर सो जाएगी, इधर मैं सो जाऊँगी, इधर मम्मी पापा सो जाएंगे, और एक रूम है वहाँ पे भी एक ऐसा बेड है और एक ऐसा बड़ा वाला बेड है, तो अंकल आंटी वहाँ सो जाएंगे। आज के लिए आई नो आज ज़्यादा कुछ कंटेंट मिल नहीं पाया होगा, ज़्यादातर ट्रैवल ब्लॉग था, बट जो भी हो ये भी हमें याद रहेगा अगली बार के लिए। अगली बार, हाँ, याद रखेंगे हम लोग। तो कुछ भी नहीं गाइज, अब बस रेस्ट करते हैं, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा ये जर्नी, ये भी जो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, क्लिप तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि सुंदर था, क्या था टहरी, मेरे को टहरी बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुंदर है, पता ही नहीं था टहरी के बारे में, हम लोग सुने भी नहीं थे, बहुत अंडररेटेड है, बट बाहर से हाँ, बट बहुत सुंदर लगा। तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे एंड शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। सो बाय गाइस, गुड नाइट।